देखिए कितना आसान होता है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अक्सर माँ को निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन माँ जब अपनी कोख में 9 महीने तक एक बच्चे को पालती है, वो 9 महीने उस माँ के लिए कैसे होते हैं, आज इस बात का इल्म हो रहा है सौम्या को। जी हाँ, सीरियल मुँह से छल किए जाए में। सौम्या को हो रहा है दर्द और वो दर्द से तड़प रही है। घर में किसी को नहीं समझ आ रहा है कि आखिर सौम्या के दर्द की वजह क्या है। जब डॉक्टर आई तब डॉक्टर ने कहा कि सौम्या को मेडिकली प्रॉब्लम है। माँ बनने के 9 महीने तक उसे ये दर्द झेलना पड़ेगा। अगर वो ये दर्द नहीं चाहती है तो अपने बच्चे को अबॉर्ट कर दे। अब सौम्या ने जैसे ही ये सुना वो तो एकदम कांप उठी, क्योंकि वो अपना बच्चा खोना नहीं चाहती है, इसीलिए उसे मंजूर है 9 महीने का ये दर्द। ये मेरे भगवान की प्यार की निशानी है। मैंने कुछ नहीं होने दूंगी। अब सौम्या का दर्द वो समझ सकती है, उसकी सासू माँ समझ सकती है, लेकिन क्या उसका पति समझ सकता है? वो तो वही करता है ना, दिखावा। अब भी वो सौम्या के लिए ग्लव्स तो लेकर आ गया है। वो दिखा रहा है कि सौम्या को उसकी चिंता है, लेकिन उसे सौम्या की नहीं बल्कि प्रिशा की चिंता है जिसके पीछे आजकल वो पड़ा हुआ है। अरमान इज स्मार्ट बट प्रिशा इज स्मार्टर। सो अभी तो यही प्लानिंग चल रही है कि मैनिपुलेट करके या कैसे भी करके शी वांट्स टू ब्रिंग अरमान ऑन हर साइड। अब प्रिशा का तो एक ही सपना है, अरमान के पास रहना, जो कि वो धीरे धीरे पूरा करने की फिराक में है। लेकिन हम जानते हैं कि सौम्या ऐसा होने नहीं देगी। है मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए ये रविवार जो है ना वो है माँ के नाम, क्योंकि मदर्स डे जो है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए सिर्फ एक दिन नहीं होता माँ के नाम पे, आजीवन होना चाहिए माँ के नाम, क्योंकि माँ की वजह से ही तो आप और हम हैं। तो बस मीत में भी हमारे मीत अहलावत अपनी माँ के साथ किस तरह मदर्स डे बना रहे हैं, आइए दिखाते हैं। और मीत अब एक हो गए हैं। इनके बीच दोस्ती का रिश्ता नहीं बल्कि अब वाकई में पति पत्नी का रिश्ता हो गया है। शादी तो पहले ही हो गई थी, लेकिन वो क्या है ना जो एक दूसरे के बीच पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए, उस रिश्ते से ये अब भी अनजान थे। लेकिन अब जब एक दूसरे का दुख दर्द बांटने की इन्हें समझ आई तब इन्हें एहसास हुआ कि ये तो एक दूजे के लिए बने हैं। हाल ही में ईशा को लेकर इनके रिश्ते में कितनी दरार पड़ गई थी, लेकिन भगवान की दया से अब सब कुछ ठीक हो गया है। और मीत मिल गए तो दूसरी ओर मदर्स डे की पार्टी भी हो रही है। घर में दो दो माएं हैं तो परिवार को मिलकर उन माओं का सम्मान तो करना ही चाहिए। मीत अलावत ने अपनी घर की मम्मीज के लिए पार्टी भी रखी है। अब यहाँ पर मदर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा है,
पर्दे के पीछे भी मस्ती हो रही है और पर्दे पर तो आप मस्ती देखेंगे ही। ही इस घर की मदर्स जैसे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमको एक्चुअली। हाँ, और बच्चों की तरफ से ऐसा सरप्राइज मिले तो मतलब इट्स नथिंग लाइक इट। सो इट्स अ लाइक फैमिली रीयूनियन टाइप है, तो इट्स रियली नाइस, इट्स अ नाइस फीलिंग। लेकिन इस पार्टी में बहू रानी मीत नहीं नजर आ रही है। सी, मीत हुड्डा इज इक्वल टू खुराफात, तो अगर वो नहीं है तो कुछ ना कुछ तो जरूर कर रही होगी। अंडरस्टूड है। क्यूट खुराफाते, क्यूट कि क्या बात है। लगता है मीत अपने घर गई है अपनी माँ के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करने। अब कहने को तो वो बेटी है, लेकिन बेटे से बढ़कर उसने अपने घर को संभाला है, तो मदर्स डे के मौके पर अपनी माँ और दादी को अकेला कैसे छोड़ सकती है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पंड्या स्टोर में अभी अभी तो शिवा जीत कर आए थे, लेकिन शिवा विनर है इस पर लग गया है बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क लगाने वाली कोई और नहीं भाई, हमारी रितिशा है जो तू तू मैं करने आ गई हैं शिवा के साथ। कह रही है तुम विनर नहीं, चीटर हो। लेकिन इस सब में पोल खुलने वाली है कि ये सारा खेल जो है ये दरअसल बुआ जी का रचा हुआ है। पार्टी में ड्रामा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे डेली शोप में भी ड्रामा ना हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शिवा ने चीटिंग की है, फिक्स करके जीता है ये, उसकी काबिलियत पे नहीं जीता है, जो कि गलत बात है। इसके पीछे एक धमाका है, शिवा ने गलत किया है। जीत का जश्न मनाना इतना आसान नहीं होता है। अब शिवा की जीत का जश्न तो होना चाहिए, ऐसा ही कुछ सोचा था धरा भाभी ने। शिवा की जीत का और रिशिता की भी जीत का ही, हमारे लिए तो दोनों ही विनर है क्योंकि दोनों फाइनल्स तक पहुंचे थे। और रिशिता भले हार गई है बट है तो हमारे परिवार का हिस्सा, तो गौतम ने सोचा कि क्यों ना रिशिता और शिवा दोनों के लिए ये पार्टी रखी जाए। लेकिन वो जश्न ही क्या जिस जश्न में ये थोड़ा बहुत भी खलल ना पड़े। अब रिशिता आई एकदम गुस्से में आग बबूला होकर, क्योंकि उसे बुआ जी ने ये कहा कि शिवा ने ये कॉम्पिटिशन चीटिंग से जीता है। तो रिशिता तो ऑलरेडी बहुत गुस्से में है क्योंकि उसको पता चला है कि शिवा ने चीटिंग की है। तब तक वो ठीक है, पहले वो गुस्से में थी कि वो हार गई, पर तब तक वो खुद से गुस्सा निकाल रही थी। पर जब अभी उसे पता चला कि चीटिंग की है तो वो तो उसे तो कुछ रिएक्ट तो करना ही है, जो रिशिता कर देती। अभी बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी जहाँ पर रिशिता आ गई प्रोजेक्टर लेके, जहाँ पर बुआ ने जो जज को फंसा के जो आंसर्स लिए थे वो उन्होंने रिशिता को दिखाए कुछ कटवट करके। तो रिशिता तो सोच रही है फुल ऐसे कि ये बेईमानी हुई है मेरे साथ, तो इसके लिए वो बदला लेने आ गई है अब। पर जैसे ही वो आती है वो देखती है कि यू नो पार्टी भी चल रही है अच्छी, गॉम्बी वॉम्बी को बहुत जेन्युइनली पूछती है कि कैसे हो ये सब वो सब। उसके बाद में तो अभी दे रही है शिवा को गिफ्ट, पर वो उसके पीछे एक धमाका है, तो वही धमाका अभी हम शूट कर रहे हैं। अब रिशिता ठहरी कान की कच्ची, उसने आज तक जब कुछ सही नहीं सुना है तो ये कैसे सही सुन सकती है। पार्टी में पहुंची और लगा दिए शिवा पर खूब सारे इल्जाम। वो तो भला हो कि कंपटीशन में जो जज थे ना उन्हें भी इनवाइट किया था शिवा ने, तो जज साहब ने कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, शिवा ने ये कंपटीशन अपनी मेहनत से जीता है। और बुआ ने जो कारिस्तानी की थी ना वो कारिस्तानी भी सामने आ गई।
तो अब बस अब उसे पता चल गया है कि घर में मेरी ही बुआ ने ये सब किया है, तो वह बुआ के ऊपर तो गुस्सा होगी और माफ़ी भी मांगेंगी, वो तो कर लेती है, रिशिता सॉरी बोल देती है। यानी कि रिशिता की बोलती बंद हो गई और अब तो मौका मिला रावी को भी। तो देखिए रिशिता को रावी ने कैसे आड़े हाथ लेने की कोशिश की, लेकिन बीच में फिर धरा भाभी आ गई। ट्विस्ट एंड टर्न्स तो अभी आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे। हम ही रोज सुबह सुबह पढ़ के बोलते अच्छा ये भी है अच्छा ये भी है। खैर यहाँ पर एक बात तो अच्छी हुई कि रिशिता को ये पता चला कि उसकी खुद की बुआ नहीं चाहती है कि वो अपने ससुराल में वापस लौटे। तो मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वेल टेलीविजन की द मोस्ट अवेटेड शादी जी हाँ आ ही गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है एंड द अबीरा वेडिंग। भैया जो बात कर रहा है इसी की बात कर रहा है। ऐसे में क्या हलचल है एट द मोस्ट अवेटेड वेडिंग, आइए दिखाते हैं। गई जिसका इंतजार लाखों फैंस कर रहे थे। तो भाई अभीरा के फैंस चलिए हमारे साथ सीधे जयपुर जहां पर हो रही है मोस्ट वांटेड वेडिंग। अक्षरा के दर पर अभिमन्यु आ गया है गाजे बाजे के साथ बारात लेकर अपनी दुल्हनिया को ब्याह कर ले जाने के लिए। अब अभिमन्यु अपनी शादी को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। तो भाई अपनी शादी में वो डांस क्यों ना करे। जब दूल्हे राजा डांस फ्लोर पर उतरे हैं तो उनका साथ परिवार के लोग भी तो देंगे। हल्दी के बाद शादी तक फेरों तक वरमाला तक हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, ऐसा रस्म है। अपशगुन माना जाता है अगर देख लिया तो हमने एक दूसरे को अभी तक देखा ही नहीं है। तो इनफैक्ट अभी और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे भी देखना है मेरा अभी कैसे सच कर आता है। सितारों की छाँव में हुई दुल्हन की एंट्री। राजमहल में मानो वो एक राजकुमारी की तरह दुल्हन बनी एंट्री ले रही हो। जब अभी की नजरें अक्षरा पर पड़ी तो वो सच में देखते ही रह गया, क्योंकि अक्षरा ने कुछ ऐसा कमाल किया था। जरा देखिए इस शादी के इस दुपट्टे पर उसने क्या लिखवाया है। ऑथेंटिक राजस्थानी मारवाड़ी लुक है। एंड पर्सनली एज प्रणाली पहली बारी मैं ड्रेसअप हुई हूँ ऑफ कोर्स प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक में और प्रॉपर ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक में, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसे देख के। और एक स्पेशल टच भी है
जो आपको पता चल ही जाएगा। जी उस पे लिखा है अभी की अक्षु, तो वो एक स्पेशल सरप्राइज है फॉर द दुल्हा। ही डज नो दैट। जिनकी शादी हुई भी है बहुत टाइम हो गया, तुमको याद नहीं है, राइट पांव आगे होता है, लेफ्ट पांव आगे होता है, लड़की लेफ्ट में होती है, लड़का राइट में होता है, पंडित भी हमारे रियल नहीं है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है। हाँ बट वो छोटी छोटी बातें जैसे कि सिंदूर जब नाक पे गिर जाता है उसका मतलब प्यार ज़्यादा होता है टाइप की चीज़ें, वो सब क्यूटनेस है। बट हाँ मतलब इट्स अनादर, ये पूरा एपिसोड ऑफ कैमरा इज अनादर एपिसोड। और मुझे ये भी मिला है तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपने पूरे आउटफिट से। अब अक्षरा से एक पल का भी इंतजार गवारा नहीं है। इस शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठे और उसके बाद शुरू हुई इस शादी की रस्में। हिप पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ रहे थे तो वही अक्षरा और अभिमन्यु एक दूजे के हो रहे थे। घर के सभी सदस्य इस जोड़ी की बलाएं ले रहे थे। तो ऐसे अच्छा थीम टाइप ऐसे कुछ था नहीं इस बार, मतलब सारे फंक्शंस हमने किए हैं तिलक से लेके हल्दी मेहंदी संगीत और अभी फाइनली शादी, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड हुई है इस बार। जहाँ जिसको बोरला बोलते हैं और ये फिर माथा पट्टी है और नथ है और इट्स अ वर्क्स। ऐसे ही अभी फ़िलहाल जहाँ पे रह रहे हैं हम, जहाँ कहीं भी जाते हैं पीपल लिटरली स्टॉप एंड स्टेयर एट अस कि ये क्या है, मतलब क्या पहन के जा रहे हैं। जयपुर के इस महल में रात भर शादी चली। छः महीने बाद फाइनली रुकावटों को ओवरकम करके हमने हमारी शादी हो गई है। वो देखो दुल्हन ऐसी लग रही है लुटेरी दुल्हन की तरह दिख रही है, ये हाल है छः महीने ये शादी के पहले दिन में हाल है। इस 7 जन्मों के बंधन में अक्षरा और अभिमन्यु बंध गए हैं। बिना किसी खलल के बिना किसी ड्रामे के इनकी शादी संपन्न हुई। हर शादी की तरह इस शादी का भी गवाह सास बहू और साजिश बना। तो हम भी अपने तमाम फैंस के साथ साथ आपको ढेरों बधाइयां देते हैं शादी की। जयपुर से कैमरामैन आतिश कांबड़े के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। अगर आपको एक मर्डर मिस्ट्री की कमी महसूस हो रही थी तो आई एम श्योर इन दिनों यह चाहते देखकर वो कमी भी पूरी हो रही है। ऑफ कोर्स ये बात और है कि वो आपकी देखी हुई मर्डर मिस्ट्री है, मेरा मतलब है फिल्म दृश्यम के तर्ज पर कहानी आगे बढ़ रही है। बहरहाल सीरियल में देव की बॉडी को दफनाया गया, फिर उसको निकाला गया और मर्डर का इल्जाम आ गया रुद्र पे। ये देखिए जो होना नहीं चाहिए था वो हो गया। रुद्र ने तो देव चौधरी की लाश को ठिकाने लगा दिया था कॉलेज के पीछे के कंपाउंड में, लेकिन ये क्या, यहाँ तो देव चौधरी की लाश मिल गई है। गार्बेज बैग से जैसे ही देव की बॉडी निकली एक माँ तो जैसे तड़प पड़ी।
कहने को तो वो कमिश्नर है, लेकिन कमिश्नर बनने से पहले वो एक माँ है। ये बेसिकली वही उसका वो द कॉम्बिनेशन ऑफ माँ एंड अ कमिश्नर, आई थिंक वही इज द प्लस पॉइंट हेयर। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में शायद वो थोड़ी माँ ओवर पावर करेगी कि एक अपने बेटे के खूनी को ढूंढने की कोशिश करेगी वो, और वो हर कोई माँ करेगी बेसिकली। और उसका एडवांटेज ये है कि वो कमिश्नर है तो शायद उसके पास फोर्स ज़्यादा हो या फिर इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो। इतने दिनों से वो अपने बेटे को ढूंढ रही थी, उसे क्या पता था कि अपने बेटे की उसे लाश मिलेगी। मुझे पता चल जाता है कि देव की बॉडी मिलती है तो पता चल जाता है कि देव इज़ नो मोर। बस अब ये सब प्रिशा और रुद्र ने किया, ये मुझे प्रूव करना है, क्योंकि शक तो है ही, जो जो चीज़ें उन्होंने की है उसके हिसाब से ही सब चल रहा है, पर मेरे पास अभी ठोस सबूत नहीं है। तो अब मैं सबूत ढूंढूंगी उनको ये प्रूव करने के लिए कि उन्होंने ही ये किया है। रुद्र और प्रिशा भी परेशान हैरान है क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि ये किसने किया है। रुद्र और प्रिशा अब बचेंगे नहीं, ये पुलिस ने पूरी छानबीन कर ली है, लेकिन हमने सुना है कि अब आगे की छानबीन रुद्र और प्रिशा करेंगे खुद को बेगुनाह साबित करने की, क्योंकि देव ने जो किया था वो गलत था, ये वो साबित करेंगे। और कुछ इस तरह रुद्र अपने परिवार को बचाएगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।